Hello everyone, welcome to another class of physics. So after a short break, I'm here again to continue with the same chapter, chapter number 10 from class 11, that was fluid dynamics. So हमने previously chapter number 10 के important topics देखे, जहां पे fluid dynamics के जितने भी important topics, concept हमने study किए, I hope कि आपने सारे concept note down किए होंगे. उसी कंसेप्ट के बेसिस पे आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे और आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स. सो अभी तक हमने फ्लूइड डायनेमिक्स में कौन कौन सी चीजें पढ़ी. हमने फ्लूइड डायनेमिक्स जब स्टार्ट किया, जब फ्लूइड की आइडियल कंडीशन हमने स्टडी की, उस आइडियल कंडीशन के बेसिस पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो भी डिफाइन किए थे. उस लेक्चर के अंदर हमने एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन स्टडी की थी, दैट वाज क्रिटिकल वेलोसिटी. सो आज का ये जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ स्टार्ट करेंगे अप टू जब इंजीनियर पूरे सिटी के लिए, म्यूनिसिपालिटी जब पूरे सिटी के लिए पाइपलाइन का डिजाइन बनाएंगे, मतलब कि पूरे सिटी में हमें वाटर फ्लो, वाटर सप्लाई देना है बाय यूजिंग पाइपलाइन. तो ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि काफी बार हमने ये चीज, ये इंसिडेंट सुने हैं कि पाइपलाइन में डैमेज है, लीकेज है. तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, पाइपलाइन का डैमेज, पाइपलाइन के अंदर लीकेज, वाटर का फ्लो, जो जो भी फ्लूइड हम फ्लो करवाने वाले उसका फ्लो किस टाइप का होना चाहिए, जिससे पूरे सिटी के अंदर जो हमारी पाइपलाइंस होगी वो डैमेज ना हो और स्टेडीली हर घर तक पानी पहुंच पाए. तो आज उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स के इस टॉपिक को लेके जाएंगे. तो इसीलिए फ्लूइड डायनेमिक्स जो हमने चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट किया था, तब से लेके अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़े, सारे कंसेप्ट आपको रिवाइज करने हैं. आपको प्रॉपरली सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, कहाँ पे कौन सी एप्लीकेशन लगेगी. और हमने मैक्सिमम ट्राई की कि जितने भी कंसेप्ट पढ़े उसको डायरेक्टली प्रैक्टिकली अप्लाई करें. उसके बाद सेकेंडली, जब हमने टाइप्स ऑफ फ्लो स्टडी किया था, तब हमने डिफरेंट टाइप्स जो देखे उसमें से एक टाइप था नॉन विस्कस, सेकेंड टाइप था विस्कस. ऐसे तो स्टार्टिंग में हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो देखा, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, डिफरेंट टाइप्स हमने देखे. बट जब क्रिटिकल वेलोसिटी हमने डिफाइन की थी, तो क्रिटिकल वेलोसिटी की जो सिंपल डेफिनेशन थी, इफ यू रिमेम्बर, कि क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल मतलब कि एक वेलोसिटी की लिमिटिंग वैल्यू, जहां तक कोई भी फ्लूइड फ्लो होगा उस वेलोसिटी से, तो वो फ्लो होगा स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो. बट इफ उस फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से बढ़ेगी, तो वो फ्लो बनेगा टर्बुलेंट फ्लो. हमने ये डेफिनेशन ऑलरेडी जब फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट किया तब भी पढ़ा था, और हमने जब डिफरेंट टाइप्स जब डिफाइन किए फ्लूइड के, वो भी हमने तब उस लेक्चर के अंदर भी हमने क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन किया था. सो अगेन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड अप टू विच फ्लूइड फ्लोज लाइक अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो तक फ्लूइड फ्लो कर सकता है इफ द फ्लूइड हैज वेलोसिटी विद इन द क्रिटिकल वेलोसिटी. सो ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, ये लिमिटिंग वैल्यू है फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी का. उस लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा फ्लो होगा, ज्यादा वेलोसिटी से अगर फ्लूइड फ्लो होगा, तो वो फ्लो बन जाएगा टर्बुलेंट फ्लो. तो क्रिटिकल वेलोसिटी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आज स्टडी कर रहे हैं. अगेन, क्रिटिकल वेलोसिटी, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा कि जब भी हमने पूरे सिटी, पूरे हमारे रीजन के अंदर अगर वाटर सप्लाई करना है, तो हमारी पाइपलाइंस, नंबर ऑफ पाइप क्या यूज करने हैं, उस पाइप के डायमीटर क्या होनी चाहिए. अगर फ्लूइड फ्लो होगा तो हर रीजन के अंदर, हर घर के अंदर इक्वल अमाउंट में और स्टेडीली वाटर फ्लो होना चाहिए. तो ये स्टेबिलिटी के लिए हमें एक रूल पढ़ना है. सो क्रिटिकल वेलोसिटी, देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रेनॉल्ड्स नंबर. ये एक कॉन्स्टेंट पैरामीटर है, डायमेंशनलेस पैरामीटर, जिसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. और इस रेनॉल्ड नंबर
की एक एप्लीकेशन, मतलब इसके बेसिस पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। सो यहां तक आज हमें इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करना है। सो आई होप कि आपने अभी तक के जितने भी लेक्चर्स फ्लूइड डायनेमिक्स से मिले, आपने सारे लेक्चर्स प्रॉपरली देखे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी जस्ट स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। द फर्स्ट वन इज क्रिटिकल वेलोसिटी। जब हमने फ्लूइड के फ्लो की बात करी, तब हमने सबसे पहली कंडीशन सोची थी कि आइडियल फ्लूइड के लिए हम फ्लूइड डायनेमिक्स अप्लाई करेंगे। अब आइडियल फ्लूइड क्या था, याद करना है आपको आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन। आइडियल फ्लूइड मतलब कि जिस फ्लूइड के लिए हम रूल अप्लाई करेंगे, जिस फ्लूइड को हम स्टडी करना चाहते हैं, वो फ्लूइड कैसा होना चाहिए। तो एक तो नॉन विस्कस, सेकेंड वन इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब कि थ्रू आउट द मोशन फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। नॉन विस्कस का मतलब कि फ्लूइड के किसी भी दो लेयर के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए। बट अभी हमने रिसेंटली लेमिनार फ्लो भी स्टडी किया, विस्कस फोर्स को हमने इंट्रोड्यूस किया, विस्कस फोर्स से रिलेटेड हमने स्टॉक्स लॉ कंप्लीट किया, देन टर्मिनल वेलोसिटी, पॉइसलिस लॉ। तो अब जो हमारी आइडियल फ्लूइड की कंडीशन है उसमें हमने थोड़ा चेंज किया, डेफिनेशन वही रहेगी, सिर्फ हमने माना कि जब फ्लूइड फ्लो होगा तब उसके किसी भी दो लेयर के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब कि दो लेयर के बीच में चेंज इन वेलोसिटी हमें मिलेगी, मतलब कि दोनों लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन मिलेगा। रिलेटिव मोशन का मतलब हो जाएगा कि दोनों लेयर के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स होगा। जैसे सॉलिड के अंदर हम फ्रिक्शन डिफाइन करते हैं, इन द सेम वे फ्लूइड के अंदर भी हम फ्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। सो हमने लेमिनार फ्लो देख लिया। अब उसी लेमिनार फ्लो को हम कंटिन्यू करेंगे। सपोज हमने किसी पाइप, किसी ट्यूब के अंदर से फ्लूइड को फ्लो करवाया। अब हमने एक चीज नोटिस करनी है, डायग्राम नंबर वन, कि सपोज ये हमने एक सिलेंड्रिकल पाइप मान लिया। अब यहां से फ्लूइड फ्लो होगा, ये हमने एक सिंपल डायग्राम बनाया कि जहां से फ्लूइड स्टेडीली फ्लो हो रहा है, मतलब कि ये ऐसी कंडीशन होगी कि जहां पे हमें स्ट्रीमलाइन फ्लो याद आएगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि पैरेलली सारी स्ट्रीमलाइंस मूव होगी। और एक डायग्राम, एक फ्लो हमने ऐसा पढ़ा था कि जहां पे वेलोसिटी के अंदर ड्रास्टिक चेंज मिलेगा हमें। सो ये वेलोसिटी, ये फ्लूइड का एक लेयर जो मूव हो रहा है यहां से, और ये ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। सो यहां पे जब फ्लूइड फ्लो होगा तब फ्लूइड की वेलोसिटी के अंदर हमें एक लार्ज चेंज मिलेगा। सो ये जो इस टाइप का जो फ्लो होता है उसको हमने नाम दिया था टर्बुलेंट फ्लो, जहां पे फ्लूइड का फ्लो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होगा। सो यहां पे v ग्रेटर देन vc और यहां पे v लेस देन vc, मतलब कि ये इस पाइप की वॉल्स को, उसकी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को विदाउट डिस्टर्ब किए इजीली फ्लूइड फ्लो होगा। बट जब पूरे सिटी की बात आएगी, जब पूरे रीजन में हमने पाइपलाइन कनेक्ट की और वहां से हमने फ्लूइड को फ्लो करवाना है, किसी भी फ्लूइड का एग्जांपल ले सकते हो, सपोज कि हमें पूरे सिटी के अंदर वाटर सप्लाई देना, या फिर हमें किसी सोर्स से, किसी रिफाइनरी से कहा किसी सोर्स तक ऑयल का एक्सचेंज करना है, मतलब कि ऑयल को पूरे रीजन के अंदर हमें सप्लाई करना है। तो ये जो पाइपलाइंस हम यूज करेंगे और इस पाइपलाइन से जो फ्लूइड फ्लो होगा, अगर उस फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो ये फ्लूइड पार्टिकल्स ये फोर्स अप्लाई करेंगे इस बाउंड्री के ऊपर। सो ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स जो स्टेडीली एक ही तरह से, मतलब कि स्ट्रीमलाइन फ्लो की तरह फ्लो होने चाहिए, जहां पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होगी और स्टेडीली फ्लो हो जाएंगे, इसकी जगह पे हमें क्या दिखेगा कि वो सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी में ड्रास्टिक चेंज होगा। तो उस चेंज की वजह से वो सारे फ्लूइड पार्टिकल्स उस बाउंड्री के ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से हमें काफी टाइम पाइपलाइन में डैमेज मिल सकता है। तो ये एक रीजन है
कि जब भी इंजीनियर पाइपलाइन मतलब कि ये पूरे रीजन के लिए जब पाइप डिसाइड करता है, उसकी डायमीटर डिसाइड करता है, कितने नंबर ऑफ पाइप्स लगाने, वो सारी चीज कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेसिफिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, वो नंबर होगा रेनॉल्ड्स नंबर। सो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी फर्स्ट पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी से उस सिस्टम के अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्या क्या डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो एक डिस्टर्बेंस ये हो सकता है, ये एक लॉस हमें ये हो सकता है कि अगर फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से बढ़ी तो वो फ्लूइड पार्टिकल्स में भी पाइपलाइन को डैमेज कर सकता है। तो एक पाइप में डैमेज की वजह से पूरे सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ एरर आ सकती है। तो ये एक रीजन हमें स्टडी करना है, तो इसीलिए क्रिटिकल वेलोसिटी बढ़ना और क्रिटिकल वेलोसिटी के डेफिनेशन समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका डायरेक्टली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। सो ऑलवेज वी ट्राई कि फ्लूइड स्टेडीली फ्लो हो जिससे पाइपलाइन में कोई डैमेजेस ना हो। तो क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी तो फ्लूइड फ्लो कहलाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर किसी फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हुई तो वो फ्लो हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। सो वी ऑलवेज ट्राई कि इस दोनों के बीच में या फिर टर्बुलेंट से बहुत ही कम, मतलब कि क्रिटिकल वेलोसिटी से बहुत ही कम फ्लूइड की वेलोसिटी रहे या उस रेंज के अंदर, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये ट्राई, अब ये चीज हमें प्रैक्टिकली प्रूव करनी है कि प्रैक्टिकली ये चीज हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस कंट्रोल के लिए रेनॉल्ड ने एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूला को यूज करते इंजीनियर एक नंबर डिसाइड करेगा। उस नंबर की रेंज से हमें पता चलेगा कि इस पाइप में फ्लो होने वाला फ्लूइड स्ट्रीमलाइन होगा या फिर टर्बुलेंट होगा। जैसे चेंजेस आएंगे, जैसे एरर आएंगी, उसके अकॉर्डिंग हम पाइपलाइन के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, डिपेंड्स। सो क्रिटिकल वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है हमें, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड बाई विच फ्लूइड फ्लो रिमेन्स स्ट्रीमलाइन और स्टेडी, स्ट्रीमलाइन या स्टेडी रहना चाहिए। सो ये क्रिटिकल वेलोसिटी हुई। अब नेक्स्ट रेनॉल्ड्स नंबर, तो रेनॉल्ड्स नंबर के लिए आर ई इज इक्वल टू रो वी डी बाई ईटा। ये रेनॉल्ड नंबर का एक सिंपल सा फॉर्मूला जो रेनॉल्ड ने दिया था, और इस नंबर से, इस रेनॉल्ड नंबर से हमें किसी भी फ्लूइड के फ्लो का पता चलेगा। सो सबसे पहली चीज, रेनॉल्ड नंबर क्यों स्टडी करते हैं हम? रेनॉल्ड नंबर हम इसलिए स्टडी करते हैं बिकॉज इट गिव्स द टाइप ऑफ फ्लो, हमें इस नंबर से टाइप ऑफ फ्लो पता चलेगा, तो इसीलिए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से ये क्वांटिटी कौन कौन सी है, तो फर्स्ट रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, v means velocity of fluid, capital D means diameter of a pipe, then eta means coefficient of viscosity। सो ये चार क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा रेनॉल्ड नंबर। अब इसकी रेंज डिसाइड की, सबसे पहले किसी भी रीजन के अंदर अगर हमें पाइपलाइन स्प्रेड करनी है, पाइपलाइन लगानी है, हमें फ्लूइड का फ्लो डिसाइड करना है, तो इसके लिए एक तो रेनॉल्ड नंबर के लिए हमें ये चारों क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट, किस फ्लूइड को हम फ्लो करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल की इफ वी वॉन्ट टू सप्लाई वॉटर इन अ रीजन, तो वॉटर की डेंसिटी हमें बता होगी। देन वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से हम फ्लो करवाएंगे फ्लूइड को, तो ये एक क्वेश्चन मार्क रखेंगे हम साइड पे। देन डी डायमीटर ऑफ अ पाइप, देन ईटा मींस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये हमारे पास चार्ट में हमें सारी वैल्यूज मिलेंगी। सो फर्स्ट एंड लास्ट रो एंड ईटा, ये दोनों वैल्यूज तो हमारी फिक्स्ड है। अब वेलोसिटी एंड डायमीटर के ऊपर डिपेंडेंसी, सो डिफरेंट वैल्यूज के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए, और उस एक्सपेरिमेंट से अगर हमें एक तो क्रिटिकल वेलोसिटी पता है,
और हम ऑलवेज ट्राई करेंगे कि फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रहे। तो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ये वेलोसिटी कम रही तो हमारा रेनॉल्ड नंबर भी एक रेंज के अंदर आएगा, उस रेंज को हमें ऑलवेज मेंटेन रखना है। अगर रेनॉल्ड नंबर उस रेंज से बढ़ा, इट मींस कि जो भी फ्लूइड पास हो रहा है उस ट्यूब से, उस पाइप से, उस फ्लूइड का टाइप चेंज हो जाएगा, चेंज इन द सेंस कि टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है वो। सो ये रेंज बाय एक्सपेरिमेंट हमें मिली कि इफ आर ई इज लेस देन 1000 देन फ्लो शुड बी स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन फ्लो। इफ आर ई ग्रेटर देन 2000 देन फ्लो विल बी टर्बुलेंट। एंड इफ आर ई इन बिटवीन 1000 टू 2000 देन इट मे चेंज फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, अल्टीमेटली अनस्टेडी फ्लो। सो ये रेंज डिसाइड की गई। मे बी आपको डिफरेंट रेफरेंस बुक के अंदर रेंज में थोड़ा वेरिएशन दिया गया होगा। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये हमें रेंज गिवन है, लेस देन 1000 अगर हमें रेनॉल्ड्स नंबर मिला तब स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, इफ रेनॉल्ड नंबर इंक्रीजेस बाय 2000 से ज्यादा मिला तो फ्लो हो जाएगा टर्बुलेंट, एंड इफ 1000 टू 2000 के बीच में अगर हमें फ्लो मिला तो वो हमारा मिक्स्ड टाइप, या फिर ये फ्लो चेंज हो सकता है स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, और वी कैन से द फ्लो इज अनस्टेबल। सो ये तीन रेंजेस डिसाइड की गई। अब हमें ये चीज पता है कि हमारी रेंज ऑलवेज 1000 से नीचे रखनी है तब हमें स्टेडी फ्लो मिलेगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो मिलेगा। तो ये रेंज हमें पता है लेस देन 1000 होने से, रो पता है हमें, ईटा भी पता है, वेलोसिटी हमें क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रखनी है तो हम डायमीटर भी इजीली डिफाइन कर सकते हैं इससे। तो एक पैरामीटर जानने से हम दूसरे पैरामीटर की डिपेंडेंसी या फिर दूसरे पैरामीटर के डायमेंशन हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए इंजीनियर को ये रेनॉल्ड नंबर, ये जो रेनॉल्ड नंबर गिवन है इसका डायरेक्ट प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है, बिकॉज ये इजीली हमें पाइप की जो पूरे सिटी के अंदर पूरे रीजन में जो हम पाइपलाइन डिसाइड करने वाले हैं उसकी डायमीटर डिसाइड करने में भी हेल्प करेगा। तो आर ई इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा, रो मीन्स डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड, वी मीन्स वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड, एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड शुड बी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, तभी ये 1000 के अंदर मेंटेन रहेगा। इफ वी इंक्रीज दिस वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी देन दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1000, और जैसे 1000 से ऊपर जाएगा हमें टाइप के अंदर फ्लूइड के टाइप में चेंज मिलेगा, और उस टाइप से कितने डैमेजेस हो सकते हैं वो हमने अभी एक्सप्लेन किया कि मे बी पाइपलाइन में डैमेजेस हो सकते हैं। तो ये सारे इसके रीजन है। तो ऑलवेज इंजीनियर ट्राई करेगा कि हम फर्स्ट रीजन के अराउंडिंग, मतलब कि 1000 के अराउंड हमारे रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू रहे, तो इसके हिसाब से वेलोसिटी और डायमीटर डिसाइड की जाए। तो रेनॉल्ड्स नंबर, ये सिंपल चीजें आपको याद रखनी है। अब रेनॉल्ड नंबर की एक और डेफिनेशन हमें बुक में गिवन है। सबसे पहली चीज तो ये पूरा ये जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, आपको डिफरेंट पॉइंट्स याद रखने, एक तो बेसिक डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला, देन क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन, देन ये जो तीनों रेंजेस हमें गिवन है वो सारी रेंजेस हमें याद रखनी है। देन एमसीक्यू के अंदर मे भी आपको पूछ सकते हैं रेनॉल्ड नंबर का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो हमें ये चीज पता है कि रेनॉल्ड नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर है जिससे हमें सिर्फ टाइप ऑफ फ्लो पता चलेगा, तो ये डायमेंशनलेस है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी नोट डाउन कर रही है वीडियो पॉज करके, इसके बाद सेकेंड डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे हम। फटाफट से वीडियो पॉज करो और इतनी डेफिनेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको नोट डाउन करनी है। Okay.
सो अब हमें सेकंड डेफिनेशन रेनॉल्ड्स नंबर के लिए डिफाइन करनी है. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें एक और डेफिनेशन गिवन है. रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया. अब इस डेफिनेशन को साइड पर रखेंगे, सारे स्टेप्स वन बाय वन क्लियर करेंगे बिकॉज ये जो थ्योरी है इस थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने सपोज किसी पाइप से फ्लूइड को फ्लो करवाया. लेट अस से ये हमने एक पाइप मान लिया. इस पाइप के लिए हमने डायमीटर माना कैपिटल डी. अब इस पाइप से जो फ्लूइड फ्लो होगा इस फ्लूइड की वेलोसिटी हमने मान ली वी. अब हमें फाइंड आउट करना है रेनॉल्ड नंबर. मतलब कि एक डेफिनेशन जिसके बेसिस पे हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली ये चीज डिसाइड कर सके कि नंबर ऑफ पाइप्स पूरे रीजन के अंदर कितने डिसाइड होने चाहिए, उस पाइप की डायमीटर क्या होनी चाहिए. तो अगर हमें रेनॉल्ड नंबर का ये जो पुराना फॉर्मूला था रो वी डी अपॉन ईटा नहीं पता तो हम सिंपल वे से जाएंगे. सपोज हमने किसी पाइप से फ्लूइड को फ्लो करवाया तो नंबर वन किसी पाइप से कितना वॉल्यूम पास होगा हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी हम यहाँ से सप्लाई करेंगे. और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये भी चीज पता है कि जितना मास फ्लक्स यहाँ से एंटर होगा उतना ही मास फ्लक्स वहां से बाहर निकलेगा. तो मास फ्लक्स की डेफिनेशन पता है, वॉल्यूम पासिंग पर सेकेंड ये भी चीज हमें पता है. सो लेट अस से कि इस पाइप की लेंथ हमने मान ली एल. V वेलोसिटी से डेल्टा टी टाइम के अंदर फ्लूइड इस वॉल्यूम से इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हुआ और ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया लेट अस से कैपिटल A. तो फर्स्ट पॉइंट कंसीडर अ पाइप हैविंग डायमीटर कैपिटल डी एंड फ्लूइड पासिंग थ्रू अ पाइप हैविंग डेंसिटी रो. So, कितना फ्लूइड इन टाइम डेल्टा टी पास होगा. अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहें तो वॉल्यूम हमें मिल सकता है वॉल्यूम पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया. कितना वॉल्यूम पास होगा तो एरिया इनटू डिस्टेंस किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना फ्लूइड पास होगा, इतना एरिया और इतना फ्लूइड. मतलब कि टोटल वॉल्यूम हमें मिल जाएगा ए वी डेल्टा टी एरिया इनटू डिस्टेंस. ये चीज हमने ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी स्टडी की थी. नाउ नेक्स्ट अगर हम मास फ्लक्स की बात करें तो मास कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी हमने मान ली फ्लूइड की रो एंड वॉल्यूम हमें पता है ए वी डेल्टा टी इनटू रो. ये हमने मान लिया मास फ्लक्स. नाउ नेक्स्ट कि सपोज लेयर बाय लेयर फ्लूइड पास होगा किसी पाइप से तो कितना फोर्स लग सकता है किसी भी लेयर के बीच में. तो हमें विस्कस फोर्स की डेफिनेशन भी पता है और अगर हम इनर्शियल फोर्स की बात करें तो कोई भी फ्लूइड जब पाइप से फ्लो होगा तो उस फ्लूइड का लोअर लेयर और अपर लेयर डायरेक्टली कंटेनर के साथ मतलब कि वॉल के साथ कनेक्टेड होगा. सो ये जो दो लेयर होंगे उसकी वेलोसिटी वो जो फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे वो फ्लूइड पार्टिकल्स उस वॉल्स के साथ कनेक्टेड रहने की ट्राई करेंगे और सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मिलेगी सेंट्रल रीजन से. तो इनर्शियल फोर्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहे तो इनर्शियल फोर्स पर
यूनिट एरिया मतलब कि एफ बाई ए, अब इनर्शियल फोर्स की बात आएगी तब हमें अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स क्या याद आएगा, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम अपॉन एरिया. नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल्टा एम इंटू वेलोसिटी, रेट मीन्स टाइम, डेल्टा टी इंटू एरिया. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी, पी मीन्स मास इंटू वेलोसिटी, सो मास डेल्टा एम इंटू वेलोसिटी स्टेडी फ्लो से फ्लूड फ्लो होगा अपॉन टाइम डेल्टा टी. सो हमने अल्टीमेटली सिर्फ मैकेनिक्स का एक फॉर्मूला यूज किया, डेल्टा एम इंटू वी अपॉन डेल्टा टी इंटू एरिया. नाउ डेल्टा एम वी नो, डेल्टा एम हमने अभी यहां से कैलकुलेट किया, डेट इज एरिया डेल्टा टी इंटू रो अपॉन डेल्टा टी इंटू ए इंटू वी. सो वी गेट फाइनली रो वी स्क्वायर. ये हमें इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया मिला. अब जो डेफिनेशन रेनॉल्ड नंबर के लिए डिसाइड हुई या फिर जो फॉर्मूला हमने बनाया था, उस फॉर्मूला का डायरेक्टली मैकेनिक्स के साथ क्या रिलेशन है, सेकंड डेफिनेशन हम किस टाइप से दे सकते हैं उसकी. तो एक तो डेफिनेशन हमें बताया कि जब भी रेनॉल्ड नंबर यूज करते हैं हम, तो रेनॉल्ड नंबर इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर विच डिसाइड्स द टाइप ऑफ फ्लो. ये कैसे डिफाइन हुआ, ये फॉर्मूला क्यों हमने बनाया, तो इस फॉर्मूला का एक मैथमेटिकल फॉर्मेट है जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में हमें एज ए फॉर्मूला दिया है, बट हमने पूरी डिटेल में ये चीज स्टडी की. हमें एक चीज पता चली कि जब भी फ्लूइड फ्लो होगा लेयर बाय लेयर, तब एक इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें ये मिल सकता है रो वी स्क्वायर. अब सेकंड पॉइंट की जब लेयर बाय लेयर फ्लूइड फ्लो होगा तो किसी भी दो लेयर के बीच में विस्कस फोर्स भी होगा, ये भी चीज हमने स्टडी की. तो सेकेंड जो पॉइंट हम स्टडी करेंगे, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, तो विस्कस फोर्स कितना हो जाएगा एफ बाई एरिया, और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, ईटा ए वी बाई टोटल डिस्टेंस लेयर बाय लेयर, ये बॉटम लेयर, ये अपर, ये सेंट्रल लेयर, अगेन ऊपर, और ये टॉप लेयर हमारा. तो डिस्टेंस बाय डिस्टेंस वेलोसिटी चेंज होगी, जिसको हमने नाम दिया था वेलोसिटी ग्रेडियंट. सो v by d into area, तो यहां से हमें मिलेगा n v by d. तो ये एक रिलेशन हमें यहां से मिला, और ये सेकंड रिलेशन इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया से मिला. अगर हम अब रेनॉल्ड नंबर को डिफाइन करें, इस दोनों क्वांटिटी को हम अगर कंपेयर करें या फिर इस दोनों क्वांटिटी का रेशियो फाइंड आउट करें, तब हमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी मिलेगी, उस क्वांटिटी के बेसिस पे हम टाइप ऑफ फ्लो डिसाइड कर सकते हैं. पहले हम ट्राई करेंगे ये चीज, इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया. सो इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स रो वी स्क्वायर अपॉन ईटा वी बाई डी. सो फाइनली वी गेट रो वी डी बाई ईटा, एंड दिस नंबर इज नोन एज रेनॉल्ड नंबर. यही फॉर्मूला हमें अगेन मिला, रो वी डी अपॉन ईटा. तो ये सेकेंड डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इस थ्योरी के लिए स्पेसिफिकली आपको एक तो रेनॉल्ड नंबर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसके बेसिस पे आपके पॉइंट आने चाहिए. सेकंड, उसकी जो रेंज हमने डिसाइड की, लेस देन 1000, ग्रेटर देन 2000, बिटवीन 1000 एंड 2000, उस सारी रेंज को डिफाइन करना है. क्रिटिकल वेलोसिटी आप डिफाइन कर सकते हो. देन रेनॉल्ड नंबर को आप मैकेनिक्स के फॉर्म में इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हो. तो ये पूरा सिंपल डेरिवेशन हमने यहाँ पे लिखा है, आप इसको कॉपी कर सकते हो और एनसीईआरटी से आपको डायरेक्टली एक
सिंपल थ्योरी मिल जाएगी रेनॉल्ड नंबर की, जो आप डायरेक्टली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। बट इसका डिटेल जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमें एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। सो आप इसको आपको कॉपी करना है और इसी टॉपिक के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, रो वी डी अपॉन ईटा, ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है। बट इसके अलावा ये दो फॉर्मूला रो वी स्क्वायर एंड ईटा वी बाई डी, इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए। सो फटाफट से पहले इसको कॉपी करो। तो इस लेक्चर के अंदर हमने रेनॉल्ड नंबर कंप्लीट किया, रेनॉल्ड नंबर की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्यों हम रेनॉल्ड नंबर यूज करते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और इंजीनियर्स इसको किस टाइप से यूज करते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेनॉल्ड नंबर के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सिंपल सा और एक नया टॉपिक, ऐसे तो हम ये नया चैप्टर भी मान सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ही इस टॉपिक को भी इंक्लूड किया है, दैट इज सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सो प्लीज इसको कॉपी करना है आपको, नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे।